हेलो जी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गुड मॉर्निंग। मैं जस्ट अभी बैंक से निकला हूँ, मुझे कुछ काम था, अभी तक ऑफिस गया नहीं हूँ, थोड़ा सा टाइम ले लिया था मैंने। बड़ी मुश्किल से बैंक के काम हो पाते भाई, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी होती है, सैटरडे संडे बैंक नहीं खुला होता, ऑफिस से टाइम ले लेके आना पड़ता है। और आज मैं छोटी वाली गाड़ी लेके जा रहा हूँ ऑफिस, वैसे ही तो चलते हैं, अपना दिन शुरू करते हैं। अभी 10:30 हो गए हैं, मेरे को 10 बजे तो ब्रांच खुलती है भाई, क्या कर सकते हैं, 10 बजे ब्रांच खुलती है। और अब आधा घंटा मुझे काम करने में लग गया वहां पर, उसके बाद अब मैं जा रहा हूँ ऑफिस की तरफ, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। से हाय रानू, हाय कटो, हाय कटो। एक ब्लिपी आता है, पता नहीं कितने लोगों को पता होगा, जिनके बच्चे बड़े हो गए उनको पता होगा, ब्लिपी आता है एक मून बग का, जो सारे प्ले एरिया वगैरह में घूम के बच्चों को टॉयज दिखाता है, ये सब उसी को देखती रहती है, उसी की टॉयज देखती रहती है, वहां मत को मैं बताती रहती हूं मुझे ये चाहिए। हाय। हां जी, गुड इवनिंग। हम वापस गाड़ी में मिल रहे हैं क्योंकि ऑफिस का टाइम हो गया है खत्म, और मैं घर जाने से पहले जाऊंगा अपनी दादी से मिलने। मेरी दादी हॉस्पिटल में है, थोड़ी तबीयत उनकी ढीली हो गई थी, तो पूरा दिन टाइम निकाल नहीं पाया। बड़ी कोशिश करी, मेरे ऑफिस से पास ही है, 5 मिनट का रास्ता है हॉस्पिटल का, तो मैंने सोचा मैं जाकर मैं मिल लेता हूँ एक बार। नथिंग सीरियस, बट एज ऐसी है तो हम लोग सोचते हैं कि एडमिट कराना बेटर होता है, इसलिए पापा ले आए थे। चलो मैं चलता हूँ उनसे मिल लेता हूँ एंड फिर कंटिन्यू करता हूँ। तो जी, मैं आ गया हूँ हॉस्पिटल, सीताराम भारती हॉस्पिटल है, पास ही है ऑफिस के, तो ज़रा मिला हूँ दादी से। सो आज मैं बना रही थी राजमा, बहुत दिनों के बाद मैंने किचन में कैमरा उठाया। यहाँ पे मेरा मसाला जो कि मैं मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर देती हूँ, और मेरे को राजमा की ग्रेवी ज़्यादा पतली पसंद नहीं है, इसलिए मैं हल्का सा एक चम्मच बेसन डालती हूँ अपने मसाले में ताकि ग्रेवी अच्छे से बन जाए। देख तो ले क्या हरकतें कर रहा है, देख जरा, देख देख एक बार क्या हो, देखो क्या बेड से उठा के लाया पूरा, क्या कर रहे हो, गोवा वाले कपड़े क्यों पहनने शुरू कर दिए, अभी तो पजामे पहन रहा है। पहन ले रहा हूं गोवा की, मैं आधे से ज्यादा मेरा मन गोवा में रहता है। गेम ही रही थी, दिल्ली में हो आप जाएंगे, ऐसा कुछ प्लान लिया गया, फिर आप मैसेज मत करना जाना कोई गोवा जा रहे हो क्या। ओके गाइस, मैंने हनी के लिए पोटैटो वेजेस बनाए थे जिसमें कॉर्न भी है, और ये बच्चा देखो कैसे टुकड़े कर करके खा रहा है भाई, छोटी छोटी उंगलियों से ना अंदर हाथ डाल के निकाल के खा रही है। इसको बताओ ना मुंह में ऐसे बाइट करो, चिड़िया है, चिड़िया खाने दो, ऐसे ही खा रही है, देख मस्त पॉपकॉर्न है इसके लिए, टीवी देखते देख। आलू तो बच्चों को बहुत पसंद होता है। जिसके लिए मैं थोड़ा सा वाटर स्प्रे करती हूँ बालों में, और मैं इसको 20% के करीब गीले कर लेती हूँ, तो इससे पहले ये सूखे तो मैं फटाफट बाल अपने ब्लो ड्राई कर लेती हूँ। मतलब आप देख लो कितना अच्छा इफेक्ट आ गया, और एकदम से बहुत ही अच्छी प्रेसिंग जैसी फीलिंग आ रही है। मैंने क्या किया, सिर्फ थोड़ा सा बाल गीले हैं, आई एम जस्ट आई थिंक काफ़ी ना ऐसा लगता है जस्ट अभी अभी बाल वॉश करके बाल सुखाए हैं, ऐसी फीलिंग आती है। पीछे के ऐसे थोड़े से रह गए हैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है अभी, तो वो तो बाद में करेंगे। और कार्तिक की वाइफ, कार्तिक से हम शादी के बाद मतलब पर्सनली हम लोग बाहर अब जा रहे हैं, बड़ी यादें ताज़ा होंगी जो हम जा रहे हैं नोएडा मार्केट इतने टाइम के बाद, तो ऐसे बैठे बैठे प्लान बन गए, लेट्स सी, चलो मिलते हैं। ये पार्क टाइम फिनिश और घुम्मी टाइम स्टार्ट, कार्तिक आ रहा है, और मेरे ख्याल से विशाल भी होगा, कार्तिक की वाइफ भी होगी, हो सकता है हम लोग कुछ थोड़ा सा बाहर तफरी मारने जाए। विशाली को नीचे बुला लिया मैंने, ये लोग भी पहुँचने वाले, हम तो लेंगे गाइस। हम सब लोग जा रहे हैं कोमल के पास उसको सरप्राइज करने, क्योंकि हम सत्यनिकेतन आए थे तो यहाँ से 10 मिनट का ही रास्ता है, तो लेट्स गो। हाँ, हो सकता ना भी हो, हमने उसको कुछ बोला नहीं, फिर से शिमला गई हूँ, शिमला मसूरी, बट वैसे उस चलो देखते हैं। कौन सा घर है आगे है ना, रही है ना, मतलब यार बाहर को
हेलो हाय समायरा हेलो क्यों चल बाय बाय हम जा रहे अरे एक्चुअली में ना हम आगे कहीं जा रहे थे तो ऐसे हमने सोचा कि घर आ रहा है आपका हम बहुत सारे लोग हैं नीचे चुगली पॉइंट पे जा रहे हैं हम सो गाइज ये है कोमल का घर जहाँ पे वो रहती है और ये इस कोमल की जो भाभी है उनकी डॉटर भी है तो सिवाना और वो साथ में खेल रहे हैं यहाँ पे सिवाना बेबी का है बेटा उसको बिठा के दिखा दो उसको टिक के बिठा दो कहीं हम आए थे कोमल को ले जाने और यहाँ तो बच्चे सेट हो रखे हैं ये है कोमल की नीस और ये दोनों कोमल की नीस उए, उए। अभी गिर जाते यहाँ पे सिवाना समायरा के टेंट हाउस में खेल रही है हाँ जी ये बोल भाई इसको ना भागम भाग वाली कार बना दी दो बंदे इधर एक इधर दो बाहर है ये मेरे जीजू हैं मैं बिठा सकता हूँ जीजू को अपनी गोदी पे यही बैठेंगे और मैं सो गाइस हम लोग यहाँ पटेल राजेंद्र नगर में है और हम लोग खा रहे मोमोज रात के 12:30 बजे चलिए खाए कौन सी वाली ऑर्डर बनाने चली गई तो जी 1:30 बज गए हम घर आ गए हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा प्लान यही था कि बस आसपास से कुछ खा लेंगे फिर कार्तिक का प्लान बन गया कार्तिक आ गया फिर हम लोग सत्यनिकेतन तक चले गए फिर सोचा सत्यनिकेतन आए तो यहाँ से 10-15 मिनट कोमल का घर है कोमल के पास चले गए उसको बताया नहीं था हमने डायरेक्टली पहुँच गए उसके पास फिर उसके घर में बैठे कम से कम 30 मिनट फिर उसके बाद गाड़ी में घूमे सब लोग भाई बहुत मज़ा आया आज ऐसे करते करते अनप्लान्ड था बिल्कुल बट मज़ा आ गया काफ़ी और थकान तो हो ही गई ऑब्वियसली मेरा गला बैठा हुआ बोल बोल के ना सर भी दर्द हो गया इतना वही हंस हंस के बुरा हाल हो गया और शिवाना आते ही अपने टॉयज में लग गई है मेरे बच्चे से विशाल से भी मिल लिया ये कार्तिक से भी मिल लिया मेरा बच्चा अब मैं इसको प्यारी करूँगा और व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड कल मिलते हैं नए व्लॉग में टेक केयर डू सब्सक्राइब बाय